दोस्त तो एक बादशाह जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसकी 7 बेटियां थी, लेकिन बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, और जो उसके सवाल का जवाब दे देता तो उसको उसका मनचाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश था और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बू हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुकरी की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खराब कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तनहा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कुल थी। जो उसने रिस्क और ऐशो इशारत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जला लूं, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जंगल में झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा फकीर एक चरपाई पर लेटा हुआ और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ है। वो ग्लास में पानी भर कर बूढ़े फकीर को पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा फकीर शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा फकीर उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा, तुम यहीं रहो। झोपड़ी में खाने पीने का सामान है और नदी पास में है, तुम वहाँ से घर भर कर लाया करना। सुबह जब वो फकीर शहर चला जाता है, शहजादी यहाँ अकेले झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा खुद के लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा, खुद अंदर जाकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि एक दूध का बर्तन खाली है और पास में एक लाल पड़ा है जो दिखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो वो एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल से सोचती है कि शायद सांप बहुत भूखा था इसीलिए वो दूध पीकर खुशी से ये लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा फकीर भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक्य बताती है और बूढ़े फकीर को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर को ले आना। और 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल
में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा फकीर और शहजादी रहने लगती है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश नौकर चाकर दुनिया के तमाम नेमतें मौजूद थी। शहजादी जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं, उनकी रोटी रोजी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर तक धूम मच जाती है। शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह सिपाहियों के साथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मिलना चाहते हैं। जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक शर्त पर हम आपसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम देते हैं कि एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल में जाता है। शहजादी उनसे मिलती है चेहरे पर नकाब करके और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादी को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेके आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए। बहुत इसरार करने पर शहजादी कहती है ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादी आपस में सरगोशी करने लगती है कि इतना तो तैयार है और इतने महंगे जेवरात पहनी है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती है कि दूर से खस्ताहाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए, और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा तब उन्होंने ही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत ही ले ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपने तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी वो 4 लाल मौजूद थे। ये बात सुनते ही बाकी शहजादी दिल से रश्क करने लगती है और सोचती है कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखो, वो चाहे जिस हाल में रखे हमेशा शुक्र अदा करो, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उम्मीद करते हैं आज का ये वाक्य आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।